ममता बनर्जी के दिन भी गजब के चल रहे हैं। 8 साल से पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री हैं और अब स्थिति ये आ गई है कि उन्हें राजनीति की क्लास लेनी पड़ रही है। दरअसल ममता बनर्जी विधानसभा चुनाव जीतने के लिए चुनावी रणनीतिकार प्रशांत किशोर की मदद लेंगी। बीजेपी ने लोकसभा चुनाव में जिस तरह से ममता बनर्जी की जमीन को खींचकर अपने पाले में किया, उससे ममता बनर्जी घबराई हुई हैं और उनके दिमाग में अब ये बात चलने लगी है कि अगर जल्द से जल्द कोई समाधान नहीं खोजा गया तो उनकी बाकी हुई जमीन भी बीजेपी अपने पास खींच लेगी। ममता बनर्जी को अब सिर्फ विधानसभा चुनाव ही नजर आ रहा है, इसी वजह से उन्होंने प्रशांत किशोर को चुनावी देखरेख की जिम्मेदारी सौंप दी है। प्रशांत किशोर की टीम अगले ही महीने से टीएमसी के लिए काम करना शुरू कर देगी। प्रशांत किशोर और ममता बनर्जी के बीच करीब 2 घंटे तक मुलाकात हुई और इसी मुलाकात में ममता बनर्जी ने प्रशांत किशोर को टीएमसी के लिए काम करने का प्रस्ताव दिया, जिस पर प्रशांत ने सहमति जता दी। 2011 में ममता बनर्जी ने पश्चिम बंगाल में 34 साल तक काबिज रहे लेफ्ट को साइड किया था और अब ठीक वही स्थिति उनके लिए बीजेपी ने खड़ी कर दी है। जिस दिशा में बंगाल की जनता जा रही है वो ममता के पतन की कहानी बन सकता है और इस बीच अब ममता ने अपनी किस्मत प्रशांत भरोसे के लिए लिख दी है। लेकिन क्या प्रशांत किशोर ममता बनर्जी की उखड़ती जमीन को बचा पाएंगे, ये बड़ा सवाल है और इसके जवाब के लिए 2021 में होने वाले विधानसभा चुनाव के नतीजों का इंतजार करना पड़ेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, OMH न्यूज। और भी वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं।